उत्पात सिपाही दौड़ में शामिल पलामू के दीपक पासवान की मौत। झारखंड में अब तक कुल 12 मौतें। अगस्त के उमस भरी गर्मी को झेल न सके अभ्यर्थी। भाजपा ने कहा फॉर्म भरवाने की एक साल बाद अगस्त के उमस भरी महीने में क्यों करवाई गई दौड़। 50 लाख की मुआवजा राशि देने की मांग। अपने जीवन की दौड़ के लिए जिस दौड़ में अभ्यर्थी शामिल हुए थे वह दौड़ उनके मौत का कारण बन गया। मौत के बढ़ रहे आंकड़ों को देख मुख्यमंत्री ने उत्पात सिपाही बहाली प्रक्रिया को स्थगित किया। सोमवार को सिपाही भर्ती दौड़ के क्रम में गिरकर बेहोश हुए पलामू के पांडू निवासी अभ्यर्थी 22 वर्षीय दीपक पासवान की रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 28 अगस्त को पलामू के चियाकी भर्ती केंद्र पर दौड़ के क्रम में बेहोश होने के बाद 5 दिनों से इलाजरत था। इसके साथ ही 10 दिनों तक चल रही झारखंड उत्पात सिपाही भर्ती दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। इस तरह युवाओं की मौत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले 3 दिनों के लिए बहाली प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में भी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मौत की घटनाओं पर दुख जताते हुए पीड़ित और शोकाकुल परिवारों को सरकार की तरफ से सहायता पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस मामले में भाजपा ने कहा कि परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के 1 वर्ष बाद शारीरिक परीक्षण कराए जाने की जाँच की मांग करेंगे। भाजपा मांग करेगी कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। अगस्त 2023 में उत्पात सिपाही परीक्षा का फॉर्म भरवाया गया था। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शारीरिक परीक्षा लेनी चाहिए थी। अगस्त 2024 में शारीरिक परीक्षा शुरू हुई। अगस्त में गर्मी और उमस रहती है, इस वजह से अभी तक कई छात्र की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि 15 सितंबर तक उत्पात सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण को स्थगित किया जाए। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए झारखंड दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं विज्ञापन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 8789258878।